मेरा नाम प्रियंका विराविचारी, बदलापुर पूर्व उपासना केंद्र। 2001 से बापू परिवार में जुड़ गई हूँ। 2019 नवंबर से मैं बदलापुर में शिफ्ट हूँ। उससे पहले मैं तलेगांव पुणे, यहाँ पर 10 साल तक मेरे जॉब की वजह से वहाँ पे रह रही थी। अभी जो मैं अनुभव मेरा शेयर कर रही हूँ, वैसा ही एक अनुभव है। यह घटना मार्च 2016 की है। उस समय मैं और मेरी बेटी तलेगांव में रह रहे थे। उस समय उसे ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद एक फाइनेंस कंपनी में उसे हिंजौरी पुणे यहाँ पे जॉब मिली थी। जॉब मिलके उसे एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो रोज़ का ट्रैवलिंग का शेड्यूल था वो बहुत हेक्टिक था। मतलब घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक उसे आने जाने के लिए 3 से 3.5 घंटे रोज़ के लगते थे। और ये जो ट्रैवलिंग था उसका, वो सिर्फ एक लोकल ट्रेन का ही ट्रैवलिंग नहीं था। तो पहले 15-20 मिनट का उसका लोकल का ट्रैवलिंग, उसके बाद में ऑटो रिक्शा का 20 मिनट का, फिर उसके बाद में आधा घंटा बस, ऐसा उसका ट्रैवलिंग रहता था। और ये सब होने के बावजूद उसका हर समय, मतलब उसका हर टाइम टेबल फिक्स रहता था। मतलब उसको शाम को 7:30 की जो लोकल थी वो उसे पकड़नी ही होती थी। और यहाँ पे पुणे में, जैसे अपने यहाँ मुंबई में लोकल्स होती है हर 2 मिनट में, वैसे वहाँ पे पुणे में हर 2 मिनट में लोकल नहीं है। एक लोकल जाती है तो उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद ही दूसरी लोकल आती है। और फिर जैसे तलेगांव में उस समय का जो माहौल था वो ऐसा था कि रात को 9 बजे के बाद वहाँ पे ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलती थी। 7 बजे के बाद तो शेयरिंग ऑटो भी बंद हो जाता था, फिर वहाँ से पैदल ही आना पड़ेगा। और फिर ये सब जान के, ये सब हो के उसका जो टाइम टेबल था वो फिक्स था। तो उस दिन जब वो ऑफिस से निकली, रोज़ के टाइम पे अपने निकली, फिर उसे 6:15 बजे की उसकी रोज़ की बस भी मिल गई। बस मिलते ही थोड़ी दूर चलने के बाद बस रुक गई सामने ट्रैफिक होने की वजह से। तो जैसा कि उसने सोचा कि अभी थोड़ी देर के बाद बस चालू हो जाएगी फिर वो चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आधा घंटा हुआ, 1.25 घंटा हुआ, बस वहीं की वहीं खड़ी थी। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी कि अभी उसे 7:30 की बस, 7:30 की लोकल उसे अब कैसे मिलेगी। 7:15 होने के बाद फिर उसने थोड़े समय जाने दिया, फिर भी वो बहुत परेशान थी। फिर 7 बजे उसने मुझे फ़ोन किया। तो जैसा कि वो हर रोज़ करती थी कि उसे रिक्शा मिल गई, बस मिल गई, तो वो मुझे फ़ोन करती थी। तो मैंने वैसे ही सोचा 7 बजे है तो उसे ऑटो मिल गई होगी स्टेशन के लिए, तो वो उसने मुझे फ़ोन किया होगा। लेकिन उसने वहाँ से बहुत परेशानी के आवाज़ में उसने मुझे कहा, मम्मा बस तो अभी हिंजौरी में ही है, बस तो यहाँ से निकली ही नहीं। तो मैंने भी घड़ी देखे तो मुझे बहुत परेशानी होने लगी कि अभी तक 7 बजे तक हिंजौरी में ही बस है, तो आगे उसको अब ऑटो कब मिलेगी, वो स्टेशन कब आएगी, और 7:30 की उसकी ट्रेन उसको कैसे मिलेगी। मैं भी बहुत परेशान हो गई। उस परेशानी में उसने कहा कि मम्मा मैं उतर के चलने लगूँ क्या। तो मैंने बोला मत उतर। तो मैंने पूछा उसको रीज़न क्या है, बस क्यों नहीं निकली यहाँ से अभी तक। तो उसने कहा आगे शायद कोई जुलूस जा रहा है जिसकी वजह से बस बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, ट्रैफिक बहुत जाम है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तू उस बस से उतर मत, तू बस में बैठी रहे और बापू का जाप कर। तो उसने बोला ठीक है। जैसे उसने फ़ोन रखा मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मैंने उसको तो सहारा दिया, उसको मैंने ऐसे दिखाया कि मैं नहीं डरी हुई, लेकिन फिर भी मैं बहुत डर गई थी। मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी उसको 15-20 मिनट में उसका स्टेशन पहुंचना नामुमकिन था, और फिर उसको वो ट्रेन तो मिलने ही वाली नहीं थी। फिर 8:30 की उसकी ट्रेन मिलेगी, उसके बाद वो जब पहुंचेगी तो उसको ऑटो भी नहीं मिलेगी, और 1.5 किलोमीटर घर तक पैदल आना पड़ेगा। और वो जो रास्ता है वो है कि चाकन रोड है जो चाकन की तरफ जाता है। तो उस समय उस रात को वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े ट्रक्स वैसे वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो ऐसे हालात में वहाँ से पैदल आना भी मुश्किल है। मेरी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मैं भी नहीं जा सकती हूँ उस समय, क्योंकि मुझे भी ऑटो नहीं मिलेगी। मैं बहुत परेशान हो गई, तो मैं बस बापू के सामने खड़ी हो गई, बापू को गुहार लगाई, बापू कुछ भी कर ले मेरी बेटी टाइम पे घर पे पहुँचनी चाहिए, उसको 7:30 की लोकल उसकी मिलनी ही चाहिए। जबकि ये नामुमकिन बात थी, लेकिन मुझे अपने बापू पे भरोसा था, बहुत ही ज़्यादा भरोसा कि मेरा बापू कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और उसी वक्त मुझे ऐसे लगा कि मेरे कान में कुछ ऐसे शब्द पड़े कि अरे पगली, तू तेरे साथ में जो हनुमंत है उसको कहें,
तेरे साथ है। तो मैंने हाथ में देखा, मेरे हाथ में सुंदरकांड है। तो बस मैंने हनुमान जी को कहा, महाप्राण हनुमंत से कहा कि आप ही कर सकते हो, बस आप ही हो। मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने जाप शुरू किया, ओम श्री राम दूताय हनुमंताय महाप्राणाय महाबलाय नमो नमः। जैसे ही मेरा जाप शुरू हुआ, बस दूसरे ही क्षण मेरी बेटी का मुझे फ़ोन आ गया, मम्मा बस शुरू हो गई। मैंने उसको सिर्फ यही बोला, ठीक है फ़ोन रख। बस मेरा वहाँ से जाप और आवेग से और जोर से मेरा शुरू हो गया। और साथ ही मैं घड़ी देख रही थी, मैं काउंटडाउन कर रही थी कि कितना टाइम अभी बच गया है 7:30 की ट्रेन के लिए। और वही मैं हनुमान जी से भी कह रही थी कि हनुमान जी अभी इतना टाइम रह गया। बस यही चल रहा था मेरा और हनुमान जी का। मैं जाप कर रही थी, वहाँ पे काउंटडाउन कर रही थी। बस दूसरे थोड़े क्षण में मेरी बेटी का फ़ोन आया, मम्मा रिक्शा मिल गई। बस मेरा जाप और ज़ोर से चालू हो गया, बस मैं जाप करती ही रही। फिर उसके बाद में उसका फ़ोन आया कि मम्मा मुझे ट्रेन मिल गई, घड़ी में देखा 7:30। बस मेरे आंसू बहुत ही ज़्यादा बहने लगे कृतज्ञता से कि बापू मैं बहुत अंबद्य हूँ कि उसके 7:30 की लोकल उसे आप मिल गई। तो ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी वो सब मुझे मेरी बेटी ने घर आके कहा। जैसे उसने ट्रेन में कदम रखा, उसने मुझे फ़ोन किया, मम्मा ट्रेन मिल गई। तो मुझे बोली कि मैं अगले स्टेशन पर उतर के पीछे वाले डिब्बे में चली जाऊंगी। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, क्यों जेंट्स में चढ़ गई है क्या? तो बोली नहीं, तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोल रही है ऐसे दबे दबे आवाज़ में। तो फिर से मैंने पूछा, तो मुझे बोली मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। तो मैंने ठीक है। जब वो घर आई अपने टाइम पे, रोज़ के टाइम पे घर पे आई, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा मैं जब रिक्शा से उतरी स्टेशन की तरफ, तब मुझे ट्रेन दिखी प्लेटफॉर्म में लग रही थी। तो मैं भाग भाग के स्टेप्स चढ़ के वहाँ से नीचे उतरी, तो ट्रेन ऑलरेडी वहाँ पे लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, वो ट्रेन छूट ना जाए इसलिए मैंने जो सामने जो डिब्बा दिखा उसमें मैं चढ़ गई। और बाद में मुझे पता चला कि मैं लेडीज़ फर्स्ट क्लास में चढ़ गई हूँ। और वो लेडीज़ फर्स्ट क्लास में चढ़ने के बावजूद उसको ऐसे लग रहा था कि कोई टीसी ना आ जाए, कोई टीसी ना पकड़ ले मुझे, इसलिए वो दरवाजे में ही खड़ी थी। और उस समय रात को वहाँ पे ऐसे मुंबई जैसे वैसे गर्दी नहीं रहती है, वहाँ पे भीड़ नहीं रहती है ट्रेन में, तो ज़्यादा कोई अंदर डिब्बे में भी नहीं था। तो उसने वही सोचा कि मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊँगी। वो अगले स्टेशन पे उतरने के लिए तैयार ही थी कि और एक वहाँ से उस डिब्बे में एक औरत थी जो उतरने के लिए दरवाजे पे आ गई। और उतरते समय उसने उससे कहा, बेटा अंदर जाके बैठ जाओ, कोई नहीं आएगा। बस ये सुन के तो और ही मेरे आंसू बहने लगे। और मैं इतनी कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत अंबज्ञ हूँ कि मेरे बापू ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं बहुत अंबज्ञ हूँ बापू, मैं हनुमान जी के अंबज्ञ हूँ। नम शरण्यम श्री अनिरुद्धम, शरण्यम शरण्यम मम इष्टदेवम। हरिओम श्री राम अंबज्ञ।